जो ये अदालत ने जो फैसला दिया इद्दत में निकाह केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो सजा मौतली की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद किया है। शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है जुबैर साहब, चूंकि पहले से ही इशारे ये दिए जा रहे थे कि नए केसेस भी बना दिए जाएंगे, इशारे नहीं बकायदा तौर पर राना सनाउल्ला साहब भी कह चुके थे, अतातारा साहब को भी नजर आ रहा था कि वो रिहा नहीं हो रहे इमरान खान साहब। सो कितनी आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस वक्त एक खौफजदा है इमरान खान साहब के बाहर आने से? एक तो बड़ा क्लियर है खौफजदा है, और उनका तो बिल्कुल क्लियर है। राना सनाउल्ला ने तो बड़े क्लियर अल्फाज में कहा कि हम ढूंढेंगे अगर कोई केस हमें बनाना भी पड़े, और ये ऐसी गलत रवायत है कि ढूंढेंगे। रिमाइंड्स मी वो गोइंग बैक टू 1977 जुल्फिकार अली भुट्टो को जब हटाया गया था, कू हुआ था, तो उस वक्त भी ढूंढा गया था केस, और वो एक 74 की एक FIR थी और उसके फिर नतीजे आप हम सब ने देखे। तो ये तो पाकिस्तान में अगर 2024 में अगर कोई हम ऐसे ही बात कर रहे हैं तो खौफजदा तो है, बिकॉज खौफजदा होने का सेंस भी है, वो अंडरस्टैंडेबल है हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जाहिर है इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर हैं और वो अगर बाहर आते हैं तो एक अननोन फैक्टर होगा कि वो फिर पार्टी को कैसे लीड करेंगे, अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ को कैसे लीड करेंगे। इतना तो सबको पता है कि तहरीक इंसाफ में एक नई जान आएगी, वर्कर्स सपोर्टर्स जाहिर है पुरुमीद होंगे कि अब शायद इमरान खान वो मूवमेंट लीड कर सके, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो जाहिर है ये अगर इसका जो फैसला आया है, और ये है भी ऐसा कि इद्दत के केस में मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में क्या दुनिया की तारीख में ऐसा केस बना ही नहीं होगा इन द फर्स्ट प्लेस, कि आपने शादी जो थी वो एक वक्त से पहले क्यों कर ली थी, अब स्टेट का इससे क्या ताल्लुक है, क्या ताल्लुक होना चाहिए, और क्या ऐसे ढूंढ ढूंढ के लोगों को क्या हर प्राइवेट सिटीजन को इस बुनियाद पर सजा दी जा सकती है 10 साल या 12 साल या जितने भी साल के जी आपको आपने शादी जो थी वो किसी के हिसाब से आपने जल्दी कर ली थी। तो आई थिंक ये तो इन द फर्स्ट प्लेस होनी नहीं चाहिए थी सज़ा। और ये राना सनाउल्ला की बात मैं आपको बताऊं कि जब वो इलेक्शन में जब February 8 के बाद उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में भी ये कहा था कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल था उसको जस्टिफाई करना, और लोगों का रिएक्शन आया था उसकी वजह से इस किस्म के केसेस बनाने की। बिल्कुल, और जितने जल्दी में ये फैसला दिया गया, और मतलब कि जुबैर साहब ये वाकई में तारीख का ये एक ऐसा वाहिद केस है जो कि इतना गलीज तरीन केस है, इसको तो डिस्कस करते हुए भी बहुत ही शर्म महसूस होती है। बट मौजूदा हुकूमत, और आपने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लेकर आ गए, फिर हुकूमत भी बना ली गई, फिर इमरान खान साहब को जेल में भी डाल दिया गया, पार्टी को भी पूरा हिलाकर रख दिया गया, बल्ला भी छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड भी उनसे ले ली, सब कुछ छीन लिया गया। नून लीग को आपके ख्याल में अब तक क्या सियासी फायदा हुआ ये सब करके? सियासी नुकसान ही हुआ है। मेरा ख्याल है कोई ऐसा शख्स नहीं है बशमूल PMLN के अपने जो वोटर्स सपोर्टर्स लीडरशिप है उनके बकौल के उन्होंने अपना जो भी वो बयानिया था वो भी लूज कर दिया है, और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी। तो कुर्बानी का मतलब यही है ना कि जब आप इस किस्म की चीजें करेंगे, अब मसला ये है कि जो मैं कह रहा हूं अंडरस्टैंडेबल है PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से, PMLN के लिए द बैटल ग्राउंड इज पंजाब, और पंजाब में अगर कोई मुकाबला है तो वो PTI से है, या अगर कोई आप रिगेन करते हैं पॉपुलैरिटी तो जाहिर है एट द एक्सपेंस ऑफ PTI करेंगे। तो अगर PTI सामने से निकल जाए या इमरान खान सामने से निकल जाए तो फिर तो मजा ही मजा है अगले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल। तो कोई वो समझते देखे ना, 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, PTI या PMLN। पीपल्स पार्टी बावजूद ऑल द एफर्ट्स हमने देखा है कि पंजाब में कुछ भी नहीं कर सकी, हार्डली कुछ कर सकी है, तो एक सिर्फ PTI बच जाती है। तो PTI को अगर डिसलॉज कर दिया जाए और इतने बुरे तरीके से डिसलॉज कर दिया जाए और इस तरह से इमरान खान के साथ सलूक किया जाए कि आइंदा आने वाली जनरेशन भी उनको भूल जाए कि जी इमरान खान हु, तो इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है? आप हुकूमत में भी रहेंगे और यू विल बी ऑब्वियसली। बट जुबैर साहब, आप नून लीग में बड़े एक्टिवली आप उनको तमाम उनके इकदामात को आप डिफेंड भी करते आए, आप मियां नवाज शरीफ साहब से बड़े क्लोज भी आप रहे, आप काफी एक्टिव थे और आप तमाम उन इजलासों का हिस्सा रहा करते थे। जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में
जिस तरह से एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक मूव थी, जहां पर नून लीग की पूरी पूरी लीडरशिप जो है वो जेल में होती थी, केसेस बनाए जा रहे थे, नैप को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था, आपको उन मीटिंग्स में ये सेंटिमेंट्स क्या फील होते थे, वो जज्बात नजर आते थे कि जी हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम बदला लेंगे, हम इनको छोड़ेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा था, बिल्कुल भी नहीं ऐसा था. हमारे लिए इट वॉज एक स्ट्रगल फॉर सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग थी, जिसमें ये इस वक्त PMLN की लीडरशिप को दबाया जा रहा था, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी और तमाम बड़े लीडर्स को अंदर भी बंद किया, केसेस भी बनाए गए, रेफरेंसेस भी फाइल किए गए. तो वो तो उससे एक अगर ये सब फेस किया था तो उससे सीखने की बात थी, उससे पाकिस्तान की जमहूरियत को फायदा होना था. पाकिस्तान की जमहूरियत को अंडरमाइन करने के लिए वो जद्दोजहद नहीं थी. तो अब तो ऐसे लगता है मुड़ के अगर हम देखेंगे वो तो पाकिस्तान की जमहूरियत को बुरे तरीके से अंडरमाइन करने के लिए अब हम बैठे हुए हैं, और इसलिए बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का कोई नाम ना ले, एक सॉर्ट ऑफ वन पार्टी सिस्टम हो. जाहिर है पंजाब में अगर कोई दूसरी पार्टी नहीं होगी. सो अफसोसनाक बात है. और अगर अलीना आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं तो यही कहता हूं कि जी अगर मोहम्मद जुबैर उस वक्त गलत को गलत कहते थे तो आज गलत को कैसे सही कह सकते हैं. जब केस बनाया गया था, इद्दत का केस और दूसरे केसेस इमरान खान के खिलाफ, तो अब बात यह थी कि उसके कोई बेसिस ही नहीं था. सिर्फ यही बेसिस था कि अगर और इस अगर ये पकड़ धकड़ की सियासत करनी थी तो फिर वो तो 2018 में फिर उस तरह से जाना ही नहीं था. फिर उस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर लेते और हुकूमत में भी रहते और ज्यादा अच्छा होता. लेकिन आपने इतनी बड़ी स्ट्रगल करने के बाद उसके बाद उससे भी ज्यादा वर्स एवर पीरियड में, तो इसको कहूंगा कि मतलब मुशर्रफ का भी जो था फर्स्ट 1 or 2 years थे जो खराब थे, उसके बाद तो तकरीबन कोई भी ऐसे पकड़ धकड़ की सियासत नहीं हुई थी. अब इफ यू हैव टू गो बैक टू द एरा ऑफ ज़ियाउल हक तो फिर तो बहुत ही अफसोसनाक बात है. जंग थी उस वक्त से, आप खुद भी उसको फील कर रहे थे, आप देख रहे थे, कोई सियासी इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं थी अगर नून लीग के अंदर. सो इस वक्त जो इकदाम लिए जा रहे हैं, जिस तरह से इमरान खान साहब को अभी तक जेल में रखा हुआ है, वो आपके ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब यानी कि ऑन बोर्ड नहीं है इस हवाले से, एंड शहबाज शरीफ साहब इज ओनली एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स और द शॉट्स दैट इज बीइंग कॉल्ड बाय एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, मैं इसको बिल्कुल मेरे हिसाब से, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि किसका क्या रोल है, बट आई थिंक दिस इज अ पार्टी विच इज बीइंग रन बाय मियां शहबाज शरीफ, क्योंकि जाहिर है वो हुकूमत में है, वो वजीर आजम है, उन्होंने IMF के साथ भी करना है, उन्होंने दूसरे मामला भी करने हैं, उन्होंने हुकूमत को आगे चलाना भी है. और वो समझते हैं कि हुकूमत को चलाने का जो सही तरीका है वो यही है जब तक आप इमरान खान को अंदर बंद रखेंगे. और अगर बेल आज अगर हो जाती तो उससे 2 दिन पहले जब राणा सनाउल्ला ने इससे ज्यादा क्लियर कट अल्फाज में कौन कह सकता है, छुपाया भी नहीं उन्होंने कि हम फिर ढूंढेंगे कि केस बनाएंगे. तो मुझे तो खैर बिल्कुल क्लियर था आफ्टर दैट इंटरव्यू उससे पहले भी कि इमरान खान को वो बाहर नहीं आने देंगे एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल डिस्पाइट ऑल द प्रेशर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. अभी आप देखें ना, ये कब तक रख सकते हैं उनको जेल के अंदर? देखिए ना, अभी हमारा इंप्रेशन क्या होगा, मैं इसका जिक्र कर दूं कि जो अभी US कांग्रेशनल रेजोल्यूशन आई थी, अब आज अगर व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से या किसी से भी अमेरिका में जब पूछा जाएगा कि उनको बेल नहीं हुई और किस केस में नहीं हो, तो वो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जी ही मैरिड समवन विद कंसेंट बट दैट वाज बिफोर अ सर्टेन पीरियड एज पर इस्लामिक लॉ और इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लामिक terms. सब लोग हंसेंगे ना उस पर कि यार इस पर भी सजा होती है. As claimed by the ex-husband after 6 years. As claimed as the petition was filed by the ex-husband जिसने डाइवोर्स दे चुका था, उसका कुछ ना देना ना देना के शादी कब हो कब ना हो, वो किससे साथ करती है शादी जाके, इमरान की जो अभी मौजूदा वाइफ है या नहीं करती, उससे उनका क्या बैड डिवोर्स होगी, तो हाउ इज दी अफेक्टेड पार्टी? क्या आपने डिवोर्स गन पॉइंट पर दी थी, देन यू कैन क्लेम कि जी मुझे तो गन पॉइंट पर डिवोर्स दिलवाई गई थी. बट अगर आपने डिवोर्स आउट ऑफ चॉइस दी थी और जिसका इजहार आपने 6 साल तक किया ही नहीं और सडनली आपको ख्याल आ गया कि जी वो तो डिवोर्स ही सही नहीं हुई थी और वो तो उन्होंने इद्दत में शादी कर ली थी. अब अगर आपने टीवी के जरिए चला देखे ना, ये तो मैं 76 साल के बाद अगर हम 76 साल पहले अगर कायदे आजम
कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर रहा हूं मैं, अगर उनको पता होता कि हम एक ऐसा पाकिस्तान बना रहे हैं जिसमें वजीर आजम जो भी आएंगे उनको सजाएं तो होंगी, गद्दारी की भी होगी और दूसरी सजाएं भी होंगी, बट ही वुड नेवर हैव एवर इमेजिन्ड और ड्रीम्ड, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इस किस्म का पाकिस्तान होगा जिसमें इस किस्म की सजाएं होंगी। उसका मतलब क्या है अरीना, कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को अंदर डालने के लिए, अब अगर या उसकी सियासत को खत्म करने के लिए या उसको सजा दिलवाने के लिए। राइट, बट जुबैर साहब लाइक यू मेंशनड, ये जो कांग्रेस की रेजोल्यूशन थी जो कि 368 वोट से ये पास हुई है, इसके जवाब में वजीर खारजा इसहाक डार साहब, हमारे नायब वजीर आजम भी हैं, हमारे साबका वजीर खजाना भी रहे हैं, आईएमएफ को माजी में बहुत कुछ बोल भी चुके हैं, उसके बाद फिर आईएमएफ ने जिस तरह से नाक से लकीरें निकलवाई हैं वो भी आपके सामने है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम भी एक रेजोल्यूशन लेकर आएंगे इसके रिस्पॉन्स में। कितना डैमेजिंग है आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लिए, और जबकि और इसकी इम्प्लीकेशन भी, अगेन आईएमएफ की किस्त भी हमें नहीं मिली है, और आपको पता है अमरीका, आप तो बेहतर जानते हैं किस तरह आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कंट्रोल करता है। अब अलीना इसमें एक जो गवर्नमेंट के कुछ लोगों का कल मैंने देखा शाम को टॉक आसिफ साहब का, आपने उसके रिस्पांस में भी आपने लिखा है बिल्कुल जी, एक तो वो कहते हैं कि जी बाइंडिंग नहीं है ये रेजोल्यूशन, ऑफ कोर्स इट इज नॉट बाइंडिंग, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अवाम की राय बाइंडिंग है या नहीं है। अवाम की राय तो बाइंडिंग है, अमरीका के कांग्रेस ने इतने बड़ा वोट से आपको कहा कि जी आपके इलेक्शन सही नहीं हुआ, ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने जो पाकिस्तान में उन्होंने बगैर किसी उसके जायके के उन्होंने जबरदस्त तरीके से बता दिया कि पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस बिल्कुल फ्लॉड 2024 में हुआ है, और आप हर दफा कहते हैं कि बाइंडिंग नहीं है। भाई अवाम की राय तो बाइंडिंग है ना, आपके अपने अवाम की राय बाइंडिंग है या नहीं है, उनकी राय को आप कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, जो मैंने ट्वीट भी किया था। अपनी आवाम को तो मान भी नहीं रहे, उल्टा वजीर दिफा कह रहे हैं कि जी अमेरिका अपने इलेक्शंस में रिगिंग की जो है वो परवाह करे, अपने हाउस को ऑर्डर में। अच्छा, मैं इस पे सिर्फ अली ना ये कह दूं, दिस इज अ वेरी डेंजरस लाइन दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज टेकिंग, जो ख्वाजा साहब ने भी ट्वीट किया और आप बता रही हैं कि वजीर खारजा ने भी आज ये कहा, बजाय कि ये एक इट्स अ मैसिव फेलियर ऑफ अ फॉरेन ऑफिस और एंड इंक्लूडिंग द एम्बेसडर इन वॉशिंगटन, कि उनको क्या पता ही नहीं था कि एक दिन ऐसे तो नहीं हुआ कि 368 ने आके वोट डाल दिया। कई दफा ऐसे होता है ना कि रिपब्लिकन पार्टी एक तरफ होती है और डेमोक्रेटिक पार्टी एक तरफ होती है, रेयर कि सब मिलके एक यूनानिमस आपको वोट डाल रहे हैं और आपको कंडेम कर रहे हैं। अमेरिका इज अ सुपर पावर, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें डरना चाहिए उस तरह से, बट मैं ये कह रहा हूं कि उनकी बात को समझना चाहिए, उनकी आवाज, उनका रेजोल्यूशन पूरी दुनिया में रेसोनेट करेगा, सुना जाएगा कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान इज ऑलरेडी इन बिग ट्रबल, आवर बेस्ट फ्रेंड्स, सम ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स आर क्लोजेस्ट अलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम अपने ये जो बड़के मारने शुरू किए हमने, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पुअर स्ट्रेटजी। और जुबैर साहब, ये जो हमारी चीन के हवाले से हिमालय से भी ऊंची और समंदरों से भी गहरी वो जो दोस्ती का हमें जिक्र किया जाता था, चाइनीज मिनिस्टर ने भी आके आपको बोल दिया स्टेबिलिटी जब तक नहीं हो आ रही यहाँ इस मुल्क में तब तक सरमायाकारी नहीं आ रही, सो ये जो सिग्नल्स दिए जा रहे हैं चाइना की तरफ से अमेरिका की इस रेजोल्यूशन के थ्रू, आप इसने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दी है। क्रेडिबिलिटी तो बहुत ही जीरो है, लेकिन देखना हुकूमत ये सब चीजें एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कर रही है ना, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, किसी मिनिस्टर को नहीं होगा, वजीर आजम को नहीं होगा, डिप्टी वजीर आजम को नहीं होगा, काबीना के लोगों को नहीं होगा, उनके जो दूसरे साथी हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनको नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, नुकसान किसका होगा, पाकिस्तान यूएस रिलेशंस खराब होने से पाकिस्तान के अवाम को खराब होगा, हमारी ट्रेड अफेक्ट होगी, हमारे बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, हमारे जो वहां इतने लोग तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, अमेरिका के साथ हमारी ऐसी रिलेशनशिप है कि हम उसको, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम ठीक करते, और ये खराब इतना होने ही ना देते। वेयर वॉज अवर एम्बेसडर, वेयर वॉज अवर फॉरेन ऑफिस, वो सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी रेजोल्यूशन आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले आपको याद होगा वजीर दिफा बनने से पहले ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे अमरीका के वेंटिलेटर हमें लगे हुए वो किसी वक्त भी खींच सकते हैं,
हाँ, और हम कुछ नहीं तंग कर सकते उनको, हमें हर बात उनकी माननी है। अब वहां तो एक एक्सट्रीम थी, अब यहां आप पहुंच गया। दूसरे आपने IMF की बात की, ऑब्वियसली अमेरिका हैज एन इन्फ्लुएंस। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपको सीरियस कंसर्न है तो पहले आप अमेरिकन एम्बेसडर को तो फॉरन ऑफिस बुलाए ना, उनको तो अपना वो जो डिप्लोमेटिक तरीका होता है उससे IMF आपके ख्याल में देखें, इट विल हैव एन इफेक्ट। और पाकिस्तान के लिए अगर IMF देखे, मैं पहले तो मेरे नजदीक IMF हैज नो ऑप्शन बट टू गिव मनी टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ने $7.5 billion IMF के वापस कर दें ओवर द नेक्स्ट 5 years। तो वो अगर IMF नहीं देता तो IMF को पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका रिजल्ट पता क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि और भी ज्यादा सख्त कंडीशंस लगा के वो आपको पैसे देंगे। जितनी कंडीशंस अभी सख्त थी, खुद प्राइम मिनिस्टर ने पूरा बजट भी, जुबैर साहब IMF नहीं, बहरहाल उसका एतराफ भी कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने। अब मुझे ये बताइएगा जुबैर साहब, शहबाज शरीफ साहब जब मुजाकरात की ये जो पेशकश कर रहे हैं अपोजिशन को, आपको वाकई लगता है कि वो संजीदा हैं उनसे इंगेज करने के लिए? उनके एग्जैक्ट अल्फाज कुछ इस किस्म के थे जब उन्होंने स्पीच की नेशनल असेंबली में कि अगर बानी PTI का कोई इशू है तो आए बैठे बात करते हैं, हवाला दिया उन्होंने कहा मैं भी जेल में था, हवाला दिया। तो भाई अगर अब उनके साथ आज आपने उनकी बेल कैंसिल करा दी, आपके मिनिस्टर्स कहते फिर रहे हैं कि उनको तो हमने बाहर ही नहीं आने देना, तो सर तो फिर कैसे मुजाकरात हो सकते हैं? हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ में उनके है अगर उनकी हिम्मत हो, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जैसे कैसे भी बने स्टोलन मैंडेट लेके बैठे हुए हैं, जो भी है तो वजीर आजम ना, तो वो अपनी कुछ तो अथॉरिटी यूज करे, कुछ तो अपने आप को एम्पावर करे। अगर उनके पास नहीं है और वो समझते कि हमें एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वो कदम नहीं उठा सकते एज फार एज इमरान खान इज कंसर्न, तो उनसे बात करें, उनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान कितने बुरे बहरान में इस वक्त है एंड विदाउट ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स इमरान खान है, पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करें। अभी आपने एक कितना ऑपरेशन अनाउंस कर दिया है विदाउट द कंसेंट और विदाउट टेकिंग द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड, जो KP की पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें सरे फहरिस्त PTI है, JUIF है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये कोई पहली दफा तो ऑपरेशन। सो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, थोड़ी सी हिम्मत ज्यादा दिखानी पड़ेगी। हुकूमत तो आनी जानी चीज होती है, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स हार्डली सर्वाइव करते हैं, तो ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान में बेहतरी हो, और फिर आप एक फॉर्मूला लेके जाएं इमरान खान के पास कि जी जो आपके कंसर्न्स हैं हम एड्रेस करने के लिए तैयार है। लेकिन एड्रेस ऐसे तो नहीं होगा कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा और आपको बिठा दूंगा, लेकिन एक ऐसा प्रैक्टिकल फॉर्मूला दें जिसमें इमरान खान को भी कुछ नजर आए कि जी ठीक है, अगर आज नहीं तो 6 महीने के बाद अगर इलेक्शन की कमिटमेंट करते हैं विद अ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। पाकिस्तान कैनॉट रन ऑन अ स्टोलन मैंडेट, राइट।